लखनऊ में वाणिज्य कर विभाग के 72वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित जीएसटी जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया। 1090 चौराहा गोमती नगर से दौड़ की शुरुआत हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वित्त मंत्री, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना शामिल हुए। सुरेश खन्ना ने झंडा दिखाकर दौड़ को रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सीएए का बेवजह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जहां पूरे भारत ट्रंप कर रहा था, तो वहीं दिल्ली में आगजनी हुई। सीएए को लेकर शाहीनबाग हो या लखनऊ, लगातार प्रदर्शन चल रहा है, एक लंबा समय हो गया है। क्या बातचीत करके मामले को सुलझाना नहीं चाहिए? जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको जागरूकता नहीं है इसको लेकर। जागरूकता दौड़ का आयोजन आज 1090 से किया जा रहा है, जिसमें वित्तीय एवं संसदीय मंत्री सुरेश खन्ना जी भी पहुंचे हैं। सर, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? जीएसटी में ज्यादा से ज्यादा लोग सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा लोग पंजीकरण कराएं, इस उद्देश्य से आज इस दौड़ का आयोजन किया गया था। और मैं समझता हूँ कि जीएसटी का बहुत बड़ा रोल राष्ट्र निर्माण में है, हमारी बुनियादी सुविधाओं में इजाफा करने में है। ये सभी लोग जो इस दायरे में आते हैं उन लोगों को पंजीकरण जरूर कराना चाहिए, और इससे हमारी तमाम तरीके के विकास की योजनाएं, तमाम जो बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं और जितना भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने में मदद मिलती है, और ये लोग अच्छी तरह समझते भी हैं। और इस समय जो कि हमारा नेतृत्व तो ऐसा है, चाहे प्रदेश का हो चाहे देश का हो, उसका कोई निजी एजेंडा नहीं है, न कोई समय किसी दूसरे काम के लिए है, और न ही उनका कोई निजी सोच ऐसी है कि जो राष्ट्र निर्माण या प्रदेश निर्माण के अतिरिक्त कुछ हो। तो जब नेतृत्व तो अच्छा हो, नेतृत्व तो समर्पित हो, तो ऐसे अवसर पर लोग मन से सोचते भी हैं कि हाँ, हमको इसमें सहयोग करना चाहिए। मैं इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये दौड़ अपने आप में प्रतिफलित ज़रूर होगी। सर, एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे, जहां सर पूरा भारत जो है वो सर ट्रंप कर रहा था, पर उस दिन सर दिल्ली में जिस तरह से सर आगजनी हुई है, लगता है सर कहीं ना कहीं से ये विचलित करने वाला है सर? देखिए, हिंदुस्तान के किसी नागरिक का या उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक का न तो कोई अधिकार छीना गया, न कोई ऐसा इरादा है। ये जिन लोगों ने भी इसको भड़काया है उनका रवैया बहुत गैर जिम्मेदाराना है, और इस ये कोई भी देश हो, कोई समाज हो, इस प्रकार से देश और समाज को, ऐसे लोगों को बेनकाब करके उनको तिरस्कार करना चाहिए। चलिए, शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे संसदीय मंत्री सुरेश खन्ना जी, जिनका साफ तौर पे कहना यह है कि जो भी लोग सीए को लेकर भ्रम फैला रहे हैं वो अपने इस चाल में किसी तरह से कामयाब नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी की भी नागरिकता को लेने नहीं जा रही है। संदीप खेर, कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ, R9 TV, उत्तर प्रदेश।